नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार बहाली को लेकर बात करते हैं, लगातार कहते हैं कि जल्द से जल्द पद को सृजित किया जाए। आज उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने जो है मुख्य सचिव को जो है आदेश दे डाला। जब तेजस्वी यादव मंच पर थे और उस वक्त जब आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम था, शिक्षा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का जो है नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रखा गया था, उस वक्त जब तेजस्वी यादव मंच पर भाषण दे रहे थे, जब संबोधन कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को कहा कि मुख्य सचिव जी और प्रधान सचिव जी मुख्यमंत्री के जल्द से जल्द जो है वो पद का सृजन करें। वैसे तो लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें तुरंत करने की आवश्यकता है। तो मंच पर ही मुख्यमंत्री के सामने जो है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और मुख्य सचिव को आदेश दे डाला है। जरा ये बयान सुनिए। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के विख्याता विश्वविद्यालयों एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित हमारे अभिभावक बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री श्री विजय चौधरी जी, माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्य सचिव जनाब आमिर सुभानी साहब, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग दीपक कुमार सिंह जी, माननीय कुलपति पटना विश्वविद्यालय श्री गिरीश कुमार चौधरी जी, श्री लोकेश कुमार सिंह जी सचिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग, श्री असंगवा चुबो आओ जी सचिव शिक्षा विभाग, अनुपम कुमार जी सचिव आईपीआरडी, मनोज कुमार जी निदेशक माध्यमिक शिक्षा, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे मीडिया प्रिंट मीडिया के दोस्तों, सबसे पहले आज जिन जिनको नियुक्ति पत्र मिला है और मिलेगा उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सबको बधाई हम देते हैं कि आप लोग अपने मेरिट पे यहाँ चुन करके आए हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आपको नियुक्ति पत्र मिला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देते हैं कि 2022 में बिहार में एक सकारात्मक सार्थक बदलाव हुआ, जो हमारी नई महागठबंधन की सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं पर विशेष तौर पर कार्य कर रही है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि एक बेरोजगारी को लेकर के हम लोगों का मुहिम था, क्योंकि देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, खासतौर पर बिहार में भी थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कई कार्यक्रम 2022 में लगभग हजारों लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा और लाखों पद को सृजन हम लोगों ने करने का काम किया है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि बिहार जो पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, कम रिसोर्सेस के बाद भी, कम संसाधन के बाद भी लाखों के तादाद में नौकरियां दे रहा है, नियुक्ति पत्र बांट रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो नई महागठबंधन की सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है, ये युवाओं को लेकर के, बिहार की समस्याओं को लेकर के कितनी गंभीर है। और आप देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से, ऐतिहासिक मैदान से, एक ऐतिहासिक दिन इंडिपेंडेंस डे के दिन ऐलान किया था कि 20 लाख लोगों को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख सरकार जो है रोजगार के अवसर पैदा करेगी, यानी 20 लाख होता है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो उम्मीदें, जो आकांक्षाएं जो इस नई सरकार से लोगों की है, नौजवानों की है, इसको हम लोग पूर्ण रूप
से पूरा करेंगे और आने वाले समय में, क्योंकि अंत का ये अंतिम दिन है, साल का ये अंतिम दिन है, लास्ट डे है, कल नया साल हो जाएगा, तो हम लोग भी चाहते हैं कि 2023 में लाखों युवाओं को अवसर मिले कि उनके हाथों में डिग्री के साथ साथ नियुक्ति पत्र भी मिले, नौकरी भी मिले। और आप लोग ज्यादातर शिक्षा विभाग से लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों पे एक बड़ी जिम्मेवारी है, आप लोगों के हाथों में बिहार का भविष्य है और आप अपनी जिम्मेवारियों को कैसे निभाएंगे ये आप बखूबी ढंग से जानते हैं। लेकिन बिहार हमारा आगे बढ़े, पक्षपात नहीं होनी चाहिए, नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक रूप से पॉजिटिविटी के साथ हम सब लोगों को बिना भेदभाव के, बिना डिस्क्रिमिनेशन के, सबको हम लोगों को साथ लेकर के चलना है। तो बिहार एक नया बिहार बने, एक विकसित बिहार बने, हमारे राज्य के लोग तरक्की करें, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये आप लोगों के हाथ में है कि बिहार को आप इस ओर लेकर के चलने का काम कीजिएगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को जो जिम्मेवारी मिली है वो आप लोग बेखूबी ढंग से, ईमानदारी से आप सब लोग निभाने का काम कीजिएगा और बिहार को आगे बढ़ाने में आप लोगों का योगदान माना जाएगा। तो हम ज्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहते, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है युवा प्रदेश है और देश में सबसे युवा प्रदेश है और यहाँ युवाओं की संख्या है और इस सरकार से लोगों को बड़े उम्मीदें हैं, सपने हैं और इसको हम लोगों को निभाना है। ये चैलेंजिंग है, लेकिन अगर दृढ़ शक्ति हो, अगर विल पावर हो तो इसको पूरा किया जा सकता है। बहुत लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि क्या होगा, कब नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। जो हमारे नौजवान भाई हैं, जो अभी पद सृजन हो रहा है, उन सबको एक अवसर जरूर सरकार देने का काम करेगी। थोड़ा धैर्य रखिए, धीरे धीरे जो कमिटमेंट हम लोगों ने किया था उसको हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि युवाओं को ठहराव पसंद नहीं है, युवाओं को रचनात्मक, सकारात्मक, प्रगतिशीलता, गतिशीलता पसंद है। तो हम चाहेंगे कि युवाओं के साथ कदम ताल हम लोग मिला करके एक सुनहरा बिहार, एक सुनहरा भविष्य हम लोग बनाने का काम करें। और आप लोगों को हम इतना जरूर बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का मौका मिला है और ये देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और हर एक स्थिति को उन्होंने देखा है और हम लोग सब लोग इनके नेतृत्व में हर दिशा में बिहार के चाहे कोई भी विभाग हो, एक एक चीज का काम हम लोग बारीकी से कर रहे हैं, कम रिसोर्सेज होने के बाद भी। लेकिन हम लोगों की मांग रहती है, भाई पिछड़ा राज है, कुछ लोग बोलते रहते कि बिहार को हम ये देंगे वो देंगे, लेकिन वो चुनाव के समय ही होता है। तो हम लोग बोलने वाले लोग नहीं है, काम करने वाले लोग हैं। अगर बिहार के प्रति अगर उनमें थोड़ी सी भी श्रद्धा है कि बिहार आगे बढ़े, काम करे, तो हम लोगों की जो मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार केंद्र सरकार से मांग की है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले, एक सुनहरा बिहार, केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी तो इनडायरेक्टली बोल गए इतिहास के बारे में, तो हम तो खुल करके बोलते हैं, कुछ लोग जो हैं जो अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, जिनका देश के आजादी में जीरो कंट्रीब्यूशन रहा है, आज वही सबसे बड़े देशभक्त बने हुए हैं। हम खुल के कहना चाहते, जीरो कंट्रीब्यूशन है, अब देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं। अब देश के इतिहास को कितना भी लोग कोशिश कर ले, लेकिन हम लोगों के रहते हुए, समाजवादियों के रहते हुए, देश का इतिहास हम लोग बदलने नहीं देंगे। जो देश का इतिहास वाकई में सबके सामने, अब कौन क्या कहता है नहीं कहता। अब बताइए, 2022 का बड़ा जिक्र होता था कि 2022 में जो है भारत का इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगा। यहाँ सब लोग पढ़े हुए लोग हैं, सब लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप बताइए लोग भूल गए।
आप आज तो खत्म हो गया 2022, आज के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति क्या है? कहाँ गया 5 ट्रिलियन का हमारा इकोनॉमी? आप देख लीजिए आज क्या स्थिति है, जो था बेहतर उसको भी बर्बाद कर दिया गया। किसानों का आय दुगना कर देंगे 2022 में। आप वाकई में जाइए, बहुत ऐसे यहाँ हमारे साथी होंगे मौजूद जो किसान परिवार से संबंधित होंगे। आज जरा उन परिवार में जरा पता करके देखिए कि देश का किसानों का आय दुगना हुआ कि नहीं हुआ। 2022 में बुलेट ट्रेन चलेगा, आप बता बुलेट ट्रेन चला कि नहीं चला? क्या हो रहा है? केवल बेचा जा रहा है, लोगों के सपने बेचे जा रहे हैं, काम करने में विश्वास नहीं रखते ये लोग। केवल और केवल भाषण, झूठा प्रचार और इन्हीं चीजों में रहते हैं। 2022 तक पक्का घर दे देंगे। भाई पुराना योजना जो इंदिरा आवास योजना तो पहले से चल रहा, लेकिन इन्होंने कौन सा काम किया है? कौन से नए लोगों को, गरीबों को? आज भी जाइए, गरीब जो है स्लम एरिया है जिनका कई लोग भूमिहीन है, घर नहीं है, कहां तक इन लोगों ने पक्का मकान देने का काम किया? तो हम लोग तो पूछेंगे। ये लोग कहते थे कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, आज 8 साल हो गया, 16 करोड़ रोजगार का है, नौकरियां का है 16 करोड़। इनसे जरा पूछिए। और यही लोग हम लोगों से सवाल पूछते हैं कि क्या हो रहा है। ये तो बिहार मॉडल है, नियुक्ति पत्र यहाँ बट रहा है, तो भारत सरकार भी देखा देखी जो है नियुक्ति पत्र बांटने का काम कर रही है। पर आपको बता दें, पहले हमने क्या बोला कि भैया पहले बिहार में कई हजारों नियुक्ति पत्र तो हमने बांट दिए। अभी 2 कैबिनेट मीटिंग पहले ही गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको देखते हैं, उसमें से कैबिनेट मीटिंग में 70,000 75,000 पद जो है सृजित किया गया एक कैबिनेट मीटिंग में। आप कल्पना नहीं कर सकते। बिहार की आबादी 13 करोड़ है और यहां हम लाखों में नियुक्ति पत्र नौकरी दे रहे हैं, और भारत की आबादी आप समझ जाइए कि 100 करोड़ से भी ऊपर है, और वो लोग केवल 75,000 जो है नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम बनाया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार कितनी गंभीर है इस चीज को लेकर के। फिर भी हम जरूर आप सब लोग, क्योंकि साल का अंतिम दिन है और आपके चेहरे पे खुशियां इस नौकरी पाने के बाद जो दिखी है, और हमें खुशी है कि आपकी खुशियों में आज हम लोग सब लोग सम्मिलित हैं, और आप सब लोगों को, आपके सभी परिजनों को हमारी ओर से, हमारे पिता की ओर से, हमारे पार्टी की ओर से, महागठबंधन सरकार की ओर से नव वर्ष की हम शुभकामनाएं देते हैं। आइए नई उम्मीदों को, खुशियों और नए विचार के साथ 2023 में एक नई शुरुआत हम सब मिलकर के करें। आप सब लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से धन्यवाद देते हुए सभी साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी को बधाई देते हैं। और एक खाली हम रिक्वेस्ट करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि जल्द से जल्द एक्सपीडाइट कीजिए, जल्द से जल्द पद को सृजित कीजिए, जल्द से जल्द लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र मिले। तो हम आमिर सुबहानी साहब इधर देख रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव भी हैं, दीपक जी हैं। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द लोगों के लिए ये काम जो है पूरा कीजिए, और इससे तो आप ही लोगों को सहूलियत होगा, सभी अधिकारियों को सहूलियत होगा। शिक्षा डिपार्टमेंट में शिक्षक होंगे, प्रोफेसर होंगे, लेक्चरर होंगे, अस्पतालों में डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंजीनियर होंगे, तो इससे तो डिपार्टमेंट बड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा और काम होगा और बिहार आगे चला जाएगा। तो हम चाहेंगे कि सभी अधिकारी, सब लोग काम अपना कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा जोर लगाने की जरूरत है। और आइए हम सब लोग मिलकर के नए वर्ष को जो है एक सकारात्मक रूप से देखें, और इसमें कंट्रीब्यूशन सबका होना चाहिए। कोई एक आदमी चाहेगा चुटकी मार के बिहार को आगे बढ़ा दे तो ये गलत फहमी में मत रहिएगा। जब तक आपका हमारा सबका योगदान एज ए टीम इफ विल नॉट वर्क आउट वी विल नॉट अचीव अ गोल। तो इसलिए हम चाहेंगे कि एक हम लोग बिहार प्राइड को लेकर के हम एक टीम होकर के नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।